भारतीय नौसेना को वागीर की शक्ति मिल गई है और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं वागीर के कमांडिंग ऑफिसर कमांडर दिवाकर एस सर, आपका टीवी 9 पर स्वागत है। सर, हम देख रहे हैं कि इस वक्त भारत की जो नौसेना की ताकत है वो लगातार बढ़ रही है। बैक टू बैक पनडुब्बियां देश को समर्पित की जा रही हैं, नेवी को दी जा रही हैं। अभी ये जो पनडुब्बी जो सर वागीर है, जिसने सारे जो तमाम परीक्षण थे उनको पूरा किया, इसको अब कमीशन किया जा रहा है, आप कैसे देखते हैं? ये अपना देश का आत्मनिर्भर भारत का एक बहुत ही बड़ा स्टेप है, क्योंकि जो वागीर का कंस्ट्रक्शन है वो पूरी तरह इंडिया में ही हुआ है बाई MDL। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर था फ्रांस का, बट MDL ने स्टील कटिंग से लेकर के पूरा सबमरीन और ट्रायल्स बनाने तक MDL ने कंस्ट्रक्शन किया और नेवी और MDL मिलकर के सारे ट्रायल्स खत्म किए। इसमें फ्रेंच सपोर्ट फॉर ट्रायल्स भी बहुत ही कम रहा है, क्योंकि हमारे रिक्वायरमेंट उतना ही कम रहा है, हमारा जो फ्रेंच OEM सपोर्ट कम रहा, तो ये आत्मनिर्भरता का एक बहुत ही बड़ा स्टेप है। सर, जिस तरीके से वागीर की अगर हम बात करते हैं, वागीर एक अटैक सबमरीन है, पानी में अगर पानी के ऊपर की सतह पर चलती है तो इसकी रफ्तार क्या होती है, और जब पानी के अंदर चलती है तब इसकी रफ्तार क्या होती है, और कैसे ये अटैक कर सकती है दुश्मन पे? ये अटैक करने के लिए मैम जो हमारा वेपन्स है वो मिशन डिपेंडेंट है, तो हमारे पास टॉर्पिडोज, मिसाइल्स और माइंस, तीनों जो मिशन का रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम कैरी करते हैं और हम अटैक कर सकते हैं, और हमारा मैक्सिमम स्पीड लगभग 20 नॉट्स के आसपास रहते हैं। अच्छा सर, हम देख रहे हैं कि हिंद महासागर के जो क्षेत्र है लगातार वहां पर, अगर हमारी समुद्री सीमाओं की अगर हम बात करें तो चीन लगातार घुसने की कोशिश करता है। जब अभी पिछले दिनों जो एक्सरसाइज हम नेवी ने की थी दूसरी कंट्रीज के साथ, तब भी वो निगरानी करने के लिए आ गया था, जासूसी करने के लिए आ गया था, तो ऐसे में हमारी ये जो सबमरीन है उसे कैसे काउंटर करेगी? मैम, जैसे नेवी का पॉलिसी रहा कॉम्बैट रेडी रहना, तो उस टूवर्ड्स कॉम्बैट रेडीनेस एंड मिशन डिप्लॉयमेंट के ये वागीर नेवी में कमीशन होना इज अ वेरी बिग स्टेप, एंड हम नेवी को और स्ट्रेंथन करेंगे बाय एडिंग वन मोर सबमरीन इनटू द नेवल आर्सेनल। सर, हम अगर हम इंडियन नेवी की अगर हम बात करें तो हमारे पास अभी तक कितनी सबमरीन है और आने वाले दिनों में हमें और हमारी कितनी शक्ति बढ़ेगी? सर, जिस तरह से अभी ये वागीर सबमरीन मिली है और कलावरी जो जो ये पूरा प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट 75, उसके अंदर एक और सबमरीन मिलने वाली है भारत को, तो ऐसे में जो नई सबमरीन आएगी वो इससे भी ज्यादा एडवांस होगी। लेकिन अगर हम इस सबमरीन की बात करें तो इसके बारे में सर थोड़ा सा और बताएं। अभी जो कलवरी क्लास ऑफ सबमरीन जिसकी आप बात करें प्रोजेक्ट 75, उसमें 6 सबमरीन बन रहे हैं। ये पांचवी सबमरीन है वागीर, और छठा सबमरीन जो वाक्शीर है जो ऑलरेडी मजगांव डॉक ने लॉन्च कर दिया, अभी वो कंस्ट्रक्शन चालू है उधर। तो इसमें जो एज ऑन डेट जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है वो ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है, तो हम बेस्ट ऑफ दी टेक्नोलॉजीज दैट इज देयर अवेलेबल इन द वर्ल्ड इज बीन इनकॉर्पोरेटेड इन दिस। अच्छा, एक सर आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ कि जिस तरह से हमारी ये एक जो सबमरीन है एक अटैक सबमरीन है, साथ ही साथ इससे हमारी जो समुद्री सीमाओं की जो निगरानी है, सुरक्षा है, तमाम चीजों की भी ये मेक श्योर करती है? बिल्कुल मैम, ये अटैक सबमरीन का रोल सिर्फ अटैक नहीं होता, तो बाकी सारे जो वही मिशन का जो रिक्वायरमेंट है वो पूरे करने के लिए वागीर के पास पूरा कैपेबिलिटीज है। सर, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ कमांडर दिवाकर एस, जो कि कमांडिंग ऑफिसर हैं वागीर की, और वागीर जिस तरीके से उसका वाक्य दिया गया है शौर्य समर्पण और साहस, उसी तरीके से ये पानी में चलेगी और देश की समुद्री सीमाओं की रक्षा करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाषीष के साथ अंजु निर्वाण, TV9 भारतवर्ष, मुंबई।